क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसके बाद हमारे अगले वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके बाद ही आप आगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो पहला वीडियो हमारा आने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का। सेकेंड वीडियो में हम करेंगे यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। एंड थर्ड वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं ये निकालेंगे डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या है और क्या क्या चीज़ें उसमें टर्म्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपके सिंपल इंटरेस्ट में तीन टर्म्स यूज होते हैं, पहले उन टर्म्स को समझते हैं। तो पहला टर्म है आपका प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका जो होता है, जैसे कि आप में से मैक्सिमम लोग लोन को, लोन से रिलेटेड चीज़ों को जानते होंगे। तो आप सोचिए, आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया है, ओके, किसी से मान लीजिए आपने 6000 उधार रेंट पर ले लिया या उधार ले लिया या लोन ले लिया, तो वो आपका, वो जो 6000 है वो आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, किसी से हम जो मनी लेते हैं वो आपका प्रिंसिपल में ही आता है, ओके। अब जब आपने उससे प्रिंसिपल या लोन लिया होगा तो उसने बोला होगा आपको कि आपका ये इतने परसेंट रेट से मैं दे रहा हूँ, मतलब 5% कोई 2%, ठीक। तो जो भी आपको रेट मिला होगा वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आपका डिपेंड करता है, जैसे लोकली आप लेते हैं तो कई बार आपका मंथली इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं लोग, कई बार आपका एनुअली भी चार्ज करते हैं। तो ये रेट के आगे लिखा होता है एनुअली है, मंथली है, सिक्स मंथली है, हाफ ईयरली है, ऐसे करके कुछ भी एक लिखा हुआ, क्वार्टरली है। तो जो भी मेंशन होगा वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आते हैं टाइम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा टाइम कितना है तो आप ये निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, तो आप एक कैलकुलेशन करके आप ये बता सकते हैं कि आपको एट द टाइम ऑफ, जैसे मान लीजिए आप 3 इयर्स के बाद पे कर रहे हैं तो 3 इयर्स के बाद आपको सामने वाले को कितना पैसा रिटर्न करना है। तो आप उसमें आप जो इंटरेस्ट आपका लगा उस इंटरेस्ट को निकालेंगे तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट अगर आपने लिया है तो अपन इस मेथड से निकालेंगे, कंपाउंड से निकाले तो अगले वीडियोस में हम देखेंगे। तो अगर मान लेते हैं हमने सिंपल इंटरेस्ट से कोई पैसा लिया था, तो सिंपल इंटरेस्ट से जो पैसा लिया हमने तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, जो आपका इंटरेस्ट लगा है उसमें आप प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा और आप उसको पे कर देंगे। तो चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी। अब आपका आर जो परसेंटेज में रहेगा उसके लिए हमने 100 ऑलरेडी ले लिया है, तो आपका आपका जो रेट है आपको परसेंटेज हटा के लिखना है, ठीक। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इससे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। अब आपको निकालना है कि कितना अमाउंट आपको पे करना है सामने वाले को, तो आपको क्या करना है, जो आपने प्रिंसिपल लिया था उसमें आपको इंटरेस्ट को ऐड कर देना है, आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस, तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें हमने प्रिंसिपल, मतलब हमने जो पैसा लिया है वो है 2000, हमने 5% ईयरली रेट पर उसको लिया है और हमने 5 इयर्स के लिए लिया है, तो हमें कितना पैसा उसे देना पड़ेगा, क्या हम पे इंटरेस्ट लगेगा, ये हम निकालते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पता ही है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आपका फॉर्मूला होता है, तो हम लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2000 × 5 × 5। मैंने आपसे बोल दिया था आपको परसेंटेज यूज नहीं करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉर्मूले में 100 लिखा हुआ है। देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट हो गए हैं आपके, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 50 ये आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपका आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, आपका आ रहा है 500। आपको अमाउंट बताना है कितना, पहला क्वेश्चन आ सकता है सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, और आपका अमाउंट पूछा है तो आप लिखेंगे प्रिंसिपल यानी 2000 + 500 यानी इंटरेस्ट, तो ये आपका हो जाएगा 2500, ठीक। तो ये आपका अमाउंट आ गया। अब हम एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जिसमें हम ईयरली को थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से हमने वही क्वेश्चन लिया लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर दी। अब हमारी जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग तो हो नहीं रही, यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है
वो हमारा हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब ये 5% 6 मंथ का रेट है, हाफ ईयरली मतलब आधा ईयर मतलब 6 मंथ, तो 5% 6 मंथ में लग रहा है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इससे ईयरली रेट निकाल लें ठीक, या आप इसको 6 मंथ में कन्वर्ट कर दें। तो आप प्रेफर करेंगे इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करना, ध्यान रखिएगा। तो आप सबको पता है कि ये हमारा 6 मंथ में कैलकुलेट हो रहा है रेट, तो हमें ये भी 6 मंथ में ही चाहिए। अब ये ईयर में दिया हुआ, तो आप सबको पता हुआ है 1 ईयर में 2 6 मंथ होते हैं, तो 5 ईयर में कितने 6 मंथ होंगे, 10 6 मंथ होंगे, 10 हाफ ईयरली होंगे ठीक। तो जिस तरीके से रेट दिया होगा हमको इसको भी उसी तरीके से कन्वर्ट करना है, फिर सिंपल सा आपका ऐसा ही लग जाएगा। तो लगा देते हैं, अब ये आप यूज करेंगे, ये नहीं यूज होगा, तो आपका 2000 × 5 × 10 / ये आ गया आपका 100, ये आपका जीरो से ये दो जीरोस कट गए हैं, ये आपका आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 1000 ठीक है। अमाउंट आपका हो जाएगा 2000 + 1000, तो ये आपका हो रहा है 3000। तो देखिए अमाउंट बढ़ गया क्योंकि अभी हाफ ईयरली पे आपको इंटरेस्ट दिया है इसलिए ठीक। एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसका, स्टूडेंट ये मैंने लिया हुआ है, ये मेरा है मंथली ठीक, तो ये मेरा मंथली है। अब ये मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, मैंने क्वेश्चन इसका रीज़न बहुत बड़ा है, इसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं मार्केट से, हम कभी कोई पैसा लेते हैं तो हम हमेशा मैक्सिमम टाइम 2% के मंथली रेट से लेते हैं। तो हम देखिए वो ही सेम सिनारियों में आपका ईयरली कंपाउंडिंग था, उस केस में क्या हो रहा था आपका, आपका मंथली वो 6 मंथली कंपाउंडिंग था, क्या हो रहा वो इंटरेस्ट था क्या हो रहा था। अभी आपका मंथली लग रहा है आपका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप इन दोनों में, सबसे पहले आपको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मंथली में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं इसको मंथली में कन्वर्ट ठीक। तो ये आपका क्या है, 5 ईयर्स, 5 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 16 ठीक मंथ्स ठीक। तो ये 60 हो गया। अब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल आपका जाएगा 2000 तो आप ध्यान से देखिए कितना ज्यादा चेंजेस आ गया है। आपका रेट हमने कर दिया है हाफ से भी कम, मतलब पहले 5% था लेकिन अब हमने 2%, लेकिन मंथली है ये, तो ये कितना ज्यादा फर्क आ रहा है ठीक है। विद इन 5 ईयर आपका पैसा डबल हो रहा है, डबल से ज़्यादा हो रहा है। तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 2000 + 2400, तो ये हो जाएगा 4400। तो ये आप अगर आप 2% के रेट से 5 ईयर के लिए किसी को पैसा देते हैं तो आपका पैसा डबल हो जाता है ठीक है, डबल से ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन देखिए, अब एक मिसिंग वाले कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, जिसमें कोई चीज़ मिसिंग है। तो यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट मुझे फाइंड करना है ईयर 5 ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है, मुझसे पूछा रेट निकालिए। सिंपल सा हम लगा देंगे 100 जो कि सिंपल इंटरेस्ट है आपका, प्रिंसिपल जो कि 2000 है, रेट आपका आर ही लेते हैं हम, ईयर आपका 5 ईयर हो गया, ये आपका 100 हो गया ठीक। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ठीक, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होने पे 100 100, और यहाँ पे भी 100, तो 100 / 100 ठीक, तो क्या आएगा आपका 1%, आर आपका आ गया 1%। अब फ्रेंड इसी तरीके से कभी आपका प्रिंसिपल मिसिंग होगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे पी आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग चीजें आप लिख देंगे और चीजों को ट्रांसफर करके आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से टाइम मिसिंग होगा तो कोई इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे इस वीडियो के बाद आपका अगला वीडियो जो आ रहा है उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। उसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना सीखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको कि एक मंथ में क्या से क्या हो सकता है अगर कंपाउंडिंग करी जाए तो आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ कंपाउंडिंग वाले वीडियो में मैं, जो आपको आप में से 99% लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि ऐसा पॉसिबल है
99%। इवन आपके पेरेंट्स को भी ये चीज़ नहीं पता है, तो आप उनसे भी कभी डिस्कस करेंगे तो उनको भी नहीं पता चलेगा। तो जब आपको बताऊं तो आप जितने लोगों से डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, आपको पता चलेगा कि उन लोगों को ये नहीं पता था। ठीक, तो हम ये करेंगे। अब आपका एक काम है, इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सारे, उनसे रिक्वेस्ट करिए सब्सक्राइब करने की, आप खुद भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, हमें सपोर्ट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कमेंट ड्रॉप चैनल को करिए। सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ड्रॉप करिए नीचे।